हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपनी ITR की वेरिफिकेशन के बारे में। सी ITR वेरिफिकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस क्यों है? क्योंकि बेसिकली होता क्या है, हम अपनी ITR फाइल करने तक तो काफ़ी प्रोएक्टिव होते हैं और हमें लगता है हमें अपनी ITR फाइल करनी है, पर जब बात आती है हमारी ITR की वेरिफिकेशन की हम उसे भूल ही जाते हैं। उससे दो चीज़ें होती हैं, एक तो हमारी जो रिटर्न है वो ही इनवैलिड मानी जाती है और ऐसा माना जाता है कि हमने अपनी रिटर्न फाइल ही नहीं करी, और उससे दूसरा नुकसान ये होता है कि अगर लेट सपोज हमारा कोई रिफंड वगैरह हमारी ITR के फाइल करने से आ रहा था तो वो रिफंड भी हमारा प्रोसेस नहीं होता क्योंकि हमारी रिटर्न मान ली जाती है कि वो फाइल ही नहीं हुई। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि क्या तरीके हैं हमारे पास हमारी रिटर्न को वेरीफाई करने के। सी अगर हम बात करें ब्रॉड कैटेगरी की तो दो ब्रॉड कैटेगरी हैं हमारे पास हमारी ITR को वेरीफाई करने के। सबसे पहला तो है ऑफलाइन और दूसरा है ऑनलाइन। ऑफलाइन तरीका हमारा सबसे ट्रेडिशनल तरीका है जिसमें कि हम अपनी रिटर्न के एक्नॉलेजमेंट को प्रिंट कर लेते हैं, उसे साइन कर देते हैं और उसे हम भेज देते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर, जिसे हम CPCB बोलते हैं बेंगलुरु, तो वहाँ पर हम अपने एक्नॉलेजमेंट भेज देते हैं। दूसरा हमारा तरीका है ऑनलाइन, जिसमें कि अपने आप में 3-4 तरीके हैं आपके पास आपकी रिटर्न वेरीफाई करने के। हम स्टार्ट करते हैं सबसे कॉमन मेथड से, जो है आपका आधार वेरिफिकेशन। अगर आपका आधार आपके पैन से लिंक है और आपने अपने आधार नंबर के साथ अपना मोबाइल नंबर भी लिंक करवा रखा है तो ये सबसे ईजी मैथड है आपकी रिटर्न को वेरीफाई करने का। इसमें आप जब अपनी रिटर्न वेरीफाई करते हैं आपके पास एक OTP आता है आपके आधार लिंक्ड नंबर पे, आप वो OTP उस वेरिफिकेशन वाले एरिया में फिल कर देते हैं और आपकी रिटर्न हो जाती है वेरीफाई। दूसरा आपका काफी कॉमनली यूज होने वाला तरीका है आपके नेट बैंकिंग से। आपने जो भी अकाउंट अपना इनकम टैक्स में रजिस्टर कर रखा है, जो भी बैंक अकाउंट, और उससे अगर आपका नेट बैंकिंग भी लिंक है तो आप अपने नेट बैंकिंग में लॉगिन कर सकते हैं। वहीं पर आपको एक टैब दिख जाती है ITR या ई फाइलिंग करके, आप उस पर क्लिक कर लीजिए। वहाँ पे आप अपनी डिटेल्स फिल करेंगे, जैसे कि आपका नाम, आपका पैन नंबर, और आप एंटर कर देंगे तो आप सीधे डायरेक्ट आ जाएंगे अपनी इनकम टैक्स की वेबसाइट पे और वहाँ पे ई वेरीफाई पे क्लिक करके आप अपनी रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं। ये हो गया आपका दूसरा तरीका। अब हम बात करते हैं तीसरे तरीके की, जो कि है आपके बैंक अकाउंट से लिंक। इसके लिए आपको अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करना है। वहां पे आपको एक टैब दिखेगी प्री वैलिडेट बैंक अकाउंट। आप जो भी बैंक अकाउंट यूज करते हैं आप उसको वहां पे प्री वैलिडेट कर दीजिए। अगर आपका नेम उस वाले बैंक अकाउंट में भी सेम है और आपका पैन कार्ड वहां पे लिंक है तो आपका बैंक अकाउंट इनकम टैक्स में प्री वैलिडेट हो जाएगा। उससे आप जनरेट कर सकते हैं एक EVC इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड। वो वाला कोड आपके पास जैसे ही आएगा आप उससे अपनी ITR वेरीफाई कर सकते हैं। सिमिलरली इसकी तरह आपके पास एक और ऑप्शन होता है अपनी रिटर्न को वेरीफाई करने का, वो है हमारा फोर्थ मेथड, जो कि है हमारा डीमैट अकाउंट से। जैसे आपने अपना बैंक को प्री वैलिडेट किया उसी तरीके से आप अपने डीमैट अकाउंट को भी प्री वैलिडेट कर सकते हैं और उससे भी EVC जनरेट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे 4 तरीके। हाँ, आपको ये भी याद रखना है कि आपको अपनी रिटर्न फाइलिंग के 120 दिन के अंदर अपनी ITR को ई वेरीफाई या वेरीफाई करना है। सो गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इन केस यू लाइक दिस वीडियो देन डू हिट द लाइक बटन, डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड फॉर द वीडियोज रिलेटेड टू अकाउंट्स एंड फाइनेंस डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।